Now we are starting the establishment between ions and unionized molecule. इससे पहले बिल्कुल साफ साफ बताया गया है कि weak electrolyte होगा उस केस में वो आधा ही ब्रेक होगा, आधा ही ब्रेक होगा इस मतलब जब ब्रेक होगा तो मतलब आयन का फॉर्मेशन करेगा, बट कुछ चीज़ें अनआयोनाइज भी रह जाएगी, जो अनआयोनाइज और आयोनाइज के बीच में इक्विलिब्रियम होगा, ये बात आपको इससे पहले वीडियो में बताई थी। अब आपको क्या समझाना है कि इनके बीच में किस तरीके से रिलेट होंगे, रिलेशन क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या है, वीक बेस या वीक एसिड दोनों ही केस में हम ये समझाएंगे। इन वीक बेस इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है क्योंकि वीक है तो इक्विलिब्रियम आएगा ही आएगा। दूसरी बात, बेस होगा तो उसका जो साथ वाला होगा जो उसके द्वारा बनेगा उसको आप बोलेंगे कॉन्जुगेटेड एसिड, इट मीन्स ये एक पेयर के रूप में है। बेस होगा तो उसका पेयर कौन होगा, एसिड होगा, बस उसके साथ में क्या लग जाएगा कि इस बेस का कॉन्जुगेट है वो। अगर यहीं पे एसिड होता तो उसके साथ में जो बनता उसको बोलते बेस, पर उसके साथ में भी यही वर्ड लगता कॉन्जुगेट, इट मीन्स इनका दोनों का एक पेयर है, बेस का कॉन्जुगेट एसिड, एसिड का कॉन्जुगेट बेस, ये दोनों ही क्या होंगे, ये दोनों ही इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि अभी क्या बोल रहे हैं हम, आयन जो बने हैं वो भी प्रेजेंट है और अनआयोनाइज मॉलिक्यूल ये दोनों ही वहाँ प्रेजेंट है, किसमें, सॉल्यूशन में, ठीक है ना। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो पढ़ाते हैं वो यही चीज़ पढ़ाते हैं क्योंकि 100% तो डिजोल्व हुआ नहीं है, तो ये रिलेशन बनाने के लिए आपको दो तीन एग्जाम्पल देते हैं। अब आप बोलेंगे कॉन्जुगेट होता क्या है, तो कॉन्जुगेट जो होता है वो क्या चीज़ है, इसके बारे में पूरी एक कंसेप्ट पढ़ना होगा कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इनका क्या रिलेशन क्या है, ठीक है ना। इन दोनों के रिलेशन के लिए आपको कॉन्जुगेट वर्ड आया, इसका मतलब पेयर के, इसको आप सिनोनिम्स मानिए पेयर का, जैसे होता है ना जोड़ी, एक दूसरे दो जोड़ी पेयर्स के रूप में रहते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया कि हम बात करते हैं कि जोड़ी जो होती है वो ऊपर से बन के आती है, ऐसा कहते हैं ना, तो वही चीज़ है इसकी कि दो चीज़ है पर बनेगा कैसे, उसी के थ्रू बनेगा, उसमें या तो प्रोटोनेशन होगा या फिर और भी कोई प्रोसेस होगा, इसको अब स्पष्ट करेंगे। हमें आपको पहले समझाना होगा कि एसिड और बेस होता क्या है। आपकी बुक में तीन थ्योरीज लिखी है, आरिनेस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी एंड लेविस थ्योरी, तीनों के बारे में समझिए। आरिनेस ने कहा था कि एसिड कौन है, तो वो बोले एसिड वो है जिसको आप डिजोल्व करोगे वाटर में और अगर वो एच प्लस आयन दे दे तो उसको आप बोलोगे एसिड, अगर वो डिजोल्व करने के बाद में OH आयन दे इट मीन्स उसको बोलोगे आप बेस। हर जगह एक क्यू लिखा है, इसका मतलब भी समझ लेना है कि ये एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब एक्वा, एक्वा मतलब है कि सॉल्यूशन इन वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप ध्यान से देखना, ठीक है ना। जैसे ही वाटर में घोला एच प्लस दिया एसिड और OH आयन दिया बेस, ये बात किसने कही, आरएनएस ने, किसके बारे में कही, एसिड और बेस के बारे में, सिंपल सी बात। तो इसके एग्जांपल्स देखें, बिल्कुल ये देखो कि मैंने कोई भी एक एसिड लिया जैसे HCl लिया, तो हैलाइड जितने भी होते हैं उसको हम X से डिनोट करते हैं, तो बोलेंगे HF लो, HCl लो, HBr लो, HI लो, कुछ भी ले लीजिए, X की जगह कुछ भी रख लीजिए। जैसे ही आपने पानी में डाला ये किस केस में कन्वर्ट होगा, H प्लस देगा और X माइनस देगा, तो इसका मतलब अगर इसने H प्लस प्रोड्यूस किया है सोल्यूशन में इट मीन्स ये है एसिड, देखो इसको इसलिए यहाँ पे लिखा है एसिड, सिंपल सी बात। अगर इसी जगह वो OH आयन देता तो क्या बोलते हैं आप, उसको बोलते हैं बेस, ठीक है ना। और H प्लस होता क्या है, H प्लस होता ही प्रोटॉन है और ये जो प्रोटॉन होता है वो वेरी रिएक्टिव होता है, सही बात है, रिएक्टिविटी बहुत फास्ट होती है, इसी कारण से क्या हो रहा है H प्लस अकेला रह ही नहीं पाएगा, सॉल्यूशन में बना जरूर है H प्लस लेकिन रह नहीं पाएगा, तो क्या करेगा, तो उसके पास में और भी अवेलेबल है H2O, क्योंकि हमने तो एक्वस सॉल्यूशन में ही किया ना, तो ये H प्लस इसी से जाके रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करके क्या बनाएगा, बनाएगा H3O+, ये देखिए ये HX पानी में डिजोल्व किया क्या बन गया H3O+, ये बना ही कब है, H प्लस प्लस H2O, इसी से H3O+ बना, इसको क्या नाम दिया, इसको बोलेंगे हम हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना। H प्लस और H2O इन दोनों को आपने क्लब किया क्या बना H3O+, सिंपल, और X माइनस अलग हुआ, तो या तो H प्लस होगा या फिर H3O+ होगा, दोनों ही केस में क्या है, इसको आप, इसको भी आप मानिए H प्लस ही है ये, है ना। ये तो आपको इसका रीजन बताया ना कि हाईली रिएक्टिव है इसीलिए एग्जिस्ट नहीं कर पाता
और तुरंत क्या करता है, H2O इसके पास अवेलेबल है तो वहाँ पे रिएक्ट करेगा, H3O बनाएगा। बहुत सिंपल सी बात समझाइए अभी, यहाँ तक आपने। और अच्छा, हाइड्रोनियम आयन जो होता है ये क्या चीज़ है, यहाँ साफ साफ लिखा है हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ H+ आयन। ये जो होता है ये बेसिकली हाइड्रोनियम ही होता है, इसके बारे में अभी मैंने आपको इससे बारे में बताया। मतलब अगर पूछा जाए कि हाइड्रोनियम और H+ में क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है। H+ रिएक्टिव था, इसने H2O से रिएक्ट करके ये बना दिया। मतलब ये दोनों एक ही चीज़, एक ही जैसा प्रॉपर्टी रखते हैं। फॉर्मूले तो अलग अलग है, नेम भी अलग अलग है। उसको प्रोटॉन बोलते थे, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, ठीक ना। दोनों का नेम अलग अलग, लेकिन प्रॉपर्टीज सेम है, क्योंकि ये है ये दोनों ही। इसके बाद में क्या होगा, बेसिस क्या है, अभी बताया था OH प्रोड्यूस करे कैसे। ये देखिए MOH, कोई भी एक मैंने ले लिया, M की जगह कोई भी मेटल ले लेते हैं। जैसे आपने उसको डिजोल्व किया, M+ कन्वर्ट हुआ और एक OH- कन्वर्ट हुआ। यहाँ OH- का देना, समझ लेना कि ये बेसिस है, बेस है ये, ना ठीक है। OH देना बेस कहलाता, ये RNS ने कहा था। एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे NaOH, एग्जाम्पल मैं आई यहीं दे देता हूँ ना, NaOH आपने नहीं पानी में डाली है, ये किस में कन्वर्ट होगा, Na+ में कन्वर्ट होगा और OH- में कन्वर्ट होगा। और ये जो OH जो देना है, इसका मतलब भी समझ लेना कि ये बेस है। NaOH की जगह KOH होगा तो कोई बात नहीं, तब भी आप उसको बेस मानेंगे, ये भी OH देगा। LiOH है ना, MgOH का होल ट्वाइस, ये सारे OH- देते हैं, ठीक है ना। एक जनरल फॉर्मूला ये समझ लीजिए कि ग्रुप वन और ग्रुप टू के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ये अगर कहीं लगे हैं, ग्रुप वन के मेंबर ले लीजिए, ग्रुप टू के मेंबर, इनको जोड़ दीजिए इसके साथ में या इसके साथ में, तब जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनेगा ये सारे ही बेस कहलाते हैं और मेरे स्ट्रॉन्ग बेसिस में काउंट होते हैं। जैसे KOH, NaOH है ना, MgOH का होल ट्वाइस, इट मींस ये मैंने एक फॉर्मूला बना रखा, ग्रुप वन ग्रुप टू ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड है ना, स्ट्रॉन्ग बेसिस में काउंट होते हैं। अब ये इसकी लिमिटेशंस भी कुछ हैं, क्यों कि पहली बात, बिना पानी में घोले आप बता नहीं सकते हो कि ये एसिड है या बेस है। इसका मतलब सब काम कहाँ हो रहा है, एक्वस सॉल्यूशन में, ये तो बहुत गड़बड़ है। मान लो कि आपको किसी को घोलना ही नहीं है, सोल्ट में ही बताना है कि बताइए इसमें, तो कैसे बताएंगे, बिना एक्वस सॉल्यूशन में घोले तो बताएंगे नहीं, ठीक है ना। अगर OH है अगर फॉर्मूले में और वो फ्री नहीं होता है तो RNS कहता है कि ये बेस ही नहीं है। पहले डिजोल्व होना है, सॉल्यूशन बनना है, एक्वस सॉल्यूशन, उसके बाद में आपको OH भी देना है, तब बेस कहलाएंगे, या H+ देंगे तो एसिड कहलाएंगे, पानी के बगैर काम नहीं चलेगा। दूसरी बात उन्होंने बोला कि जिसके पास में ये हो ही ना, जैसे NH3, वो कह रहा है कि ये देखो अमोनिया के बारे में लिखा है, अमोनिया के पास है बेसिक, वो बोले कि ये OH है ही नहीं इसके पास में, तो फिर आप किस तरीके से कहोगे कि ये बेस है। तो NH3 को बेस कहना है इस केस में क्या हो रहा है, आपको ये वाली थ्योरी तो काम आएगी नहीं, क्योंकि ये तो H+ और OH- पे ही डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो क्योंकि इसके पास हाइड्रोक्सिल मतलब OH- नहीं है, तो आप कैसे सिद्ध करोगे। तो इन दोनों ही केस में एक नई थ्योरी आई, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट में पढ़ाते हैं। एसिड बेस की जो सेकंड थ्योरी है वो है ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी। अब हुआ क्या, जब आपको ये कहा गया RNS में कि हर चीज एक्वस सॉल्यूशन में होगी, H+ देना, OH- उसी के बेस था, उससे कंसेप्ट को थोड़ा सा अलग करके क्या कहा इन्होंने कि यहाँ पर भी बात तो H+ की गई, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि H+ जो दे, जो डोनेट करे वो एसिड, और H+ जो गेन करे वो बेस। मतलब यहाँ तो OH का नाम ही नहीं लिया इन्होंने, तो इस केस में आपको समझाना आसान हो गया। क्यों आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पे NH3 को हम बेस कैसे कहें ये समझ में नहीं आया, और यहाँ पर उसको सॉल्यूशन करने के लिए उन्होंने H+ डोनेशन, H+ एक्सेप्टेंस, इसी पे बात की। तो H+ देना एसिड, H+ लेना बेस, इतना सा है। एग्जाम्पल समझिए इसका, ये देखिए इसका एक एग्जाम्पल NH3 को समझाने के लिए ही ज़्यादा किया गया। क्यों, NH3 को RNS सही नहीं समझा पाए। इस केस में क्या हो रहा है, H2O से रिएक्ट करने के बाद में हुआ क्या, NH3 ने एक H+ गेन कर लिया, और यहाँ पर ब्रोंस्टेड लोरी ने पहले ही कहा था H+ लेने वाला क्या होगा, बेस होगा। तो H+ लिया और तुरंत वो क्या बना दिया, अमोनियम आयन। इसको बोलते हैं हम अमोनियम आयन, ये अमोनिया है, अमोनिया मॉलिक्यूल है और ये अमोनियम आयन है,
दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। और इस केस में एक और बात समझिए, देखो OH भी प्रोड्यूस कर दिया, तो RNase ने कहा हाँ OH भी आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो OH प्रोड्यूस करने के हिसाब से RNase ने भी कह दिया, और ब्रोंस्टेड लोरी ने कहा कि भैया हमारे तो H+ गेन करने वाला ही बेस है। तो दोनों ही तरह से सिद्ध हुआ कि अमोनिया क्या है, बेस है। कितना सिंपल सी बात है। पर यहाँ पे भी बात वही है कि वो एक्वा सॉल्यूशन पानी में घोला तभी ऐसा हुआ, ठीक है ना। किसी से रिएक्शन करने पर ही हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं पानी चाहिए, कोई भी लिक्विड या कोई भी हो वहाँ से H+ लेना है। इन्होंने कोई एक्वस की बात नहीं की गई, कहीं पे एक्वस नहीं लिखा, देख लीजिए आप कहीं लिखा है क्या। ये कह रहा है कि कैपेबल टू डोनेट H+ और कैपेबल टू एक्सेप्ट, एक्वस कहीं नहीं लिखा है। ये मैंने वाटर से रिएक्ट करा दिया तो आप बोलोगे ऐसा नहीं है, है ना। अगला कभी, पहली बात। दूसरी बात समझिए कि इसका जो बेस है, ये बेस है, बेस है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। अब इसका जो कॉन्जुगेट बनेगा तो क्या बनेगा, इसका कॉन्जुगेट बनेगा एसिड। इट मीन्स इसी का कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा ये, इसीलिए ये एक पेयर है, ठीक है ना। ये जोड़ी है, ये मतलब रब ने बना के भेजी है, समझ लीजिए कि इसके कारण से इसका प्रोडक्शन हुआ, और इसके नाम से ही इसको जो सपोजिट वर्ड नाम देंगे, जैसे बेस है तो एसिड नाम देंगे, एसिड है तो बेस नाम देंगे, पर उसके आगे एक वर्ड लगा देंगे क्या, कॉन्जुगेट। इसको कॉन्जुगेट को हम सिनोनिम्स के रूप में पेयर के लिए बहुत सी जगह यूज करते हैं, है ना। तो आपको भी अब समझ में आया कि बेस जिसके कारण से प्रोड्यूस हुआ तो कॉन्जुगेट वर्ड लगाना है, बेस है तो यहाँ एसिड लगाना है, और यहाँ एसिड हो तो यहाँ बेस लगाना है, बहुत सिंपल सी बात। अगला, NH3 का एक्वस हुआ तो अब आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस कैसे हो कहलाएगा, कि इसको आपको एक चीज समझाते हैं। अब आपको ये देखिए, ये है बेस और ये है एसिड, तो ये एनजू के एसिड बेस पेयर है, और ये एक ही सॉल्यूशन में होगा दोनों, क्योंकि अभी आप देखना कि ये इक्विलिब्रियम पे, इसका मतलब है कि ये कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं हुआ है। हो जाता तो ये इक्विलिब्रियम का ये जो साइन आ रहा है ये नहीं लगा रहता, इसका मतलब सॉल्यूशन में ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है, इसीलिए कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, और ये कहाँ होगा, जब इक्विलिब्रियम होगा। अगला, ये कह रहा है कि दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग और वीकनेस देखिए आप, यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे मैंने कहा ना एसिड का बेस होता है, बेस का एसिड होता है, तो यहाँ स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस का भी एक पेयर है। अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो ये वीक होगा, और ये भी अगर ये वीक होगा तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, इस तरीके से एक पेयर बनता है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग, एसिड एंड बेस, ये दोनों ही पेयर है यहाँ पे, ठीक है। पहली बात समझिए, ये अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये वीक होगा, और अगर ये वीक होगा तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत सिंपल सी बात। अगला, अब ये कह रहा है क्या कि ऐसा हुआ कब, ये देखिए, इसने अमोनिया ने H+ गेन करके अमोनियम आयन बनाया, सिंपल। ये वीक बेस होता है, इसका नेचर ही वीक बेस है, लिटमस टेस्ट करके देखा गया कि कितना ब्रेक होता है, बहुत आसानी से नहीं होता है, ठीक है ना, ये बहुत आसानी से नहीं टूटता है। तो इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्यों, क्योंकि ये भी तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम करेगा तो H+ देगा, H+ देगा, ये भी तो NH3 में कन्वर्ट होगा, तो जब ये वीक है इसका मतलब क्या है, ये टूटना नहीं चाहता है, तो ये हमने कहा कि पेयर होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, फटाफट H+ देगा और फटाफट NH3 में कन्वर्ट करेगा। अमोनियम आयन, आयन के फॉर्म में वैसे भी बहुत सी चीज़ें मतलब स्टेब्लिश ही नहीं होती है, उस केस में जल्दी से वो मूव करना चाहेगा, तो ये जैसे मुश्किल से देना चाहता है तो ये जल्दी देना चाहता है, ये मुश्किल से देने के कारण से वीक कहलाया और ये जल्दी देने के कारण से स्ट्रॉन्ग कहलाया। एक और बात समझिए कि ये टूटना नहीं चाहता है, मतलब ये रिजिडिटी है इसकी, और एक तो मॉलिक्यूल फॉर्म में स्टेबिलिटी है इसकी, तो ये चाहता ही नहीं टूटना, और ये चाहता है टूटना, है ना। तो जो नहीं चाहता है ना वो वीक कहलाता है हमेशा। इससे पहले भी आपको मैंने स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में बताया था, जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए उसको आप स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, जो पार्शली हो उसके लिए आपने वीक वर्ड यूज किया था। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये पार्शली हो रहा है, टूटना ही नहीं चाह रहा है, इसीलिए वीक कहलाया। और ये आयन के फॉर्म में भी स्टेबल नहीं है, तो ये अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए फिर से अमोनिया बनाना चाहता है, तो ये फटाफट H+ देना चाहता है। जो जल्दी टूटना चाहेगा वो स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, जो टूटना नहीं चाहता है, ब्रेक नहीं होना चाहता, डिसोसिएट नहीं होना चाहता, तो वो वीक कहलाएगा, ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात है।
अगर मान लो कि आपको पूछा जाए कि कुछ एग्जांपल्स बता दीजिए, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दे दिए कुछ, क्या है देखिए, यहाँ पे आपको गेन करना था कि कौन है एसिड कौन है बेस, तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप देखिएगा कि एच प्लस जो डोनेट कर सकते हो वो सब क्या है, एसिड है। तो जैसे मान लो जिसके पास एच प्लस है ना, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए यहाँ पर एच प्लस है, इसका मतलब है कि ये प्राइमरीली अगर आपने फर्स्ट जो आपने इंप्रेशन है कि ये एसिड होगा क्योंकि एच प्लस है तो दे सकता है। इसी तरह इसका भी है तो ये भी आपको लग रहा है कि ये भी एच प्लस तो दे ही सकता है। इसके बाद में आप देखना किसी के पास में एच प्लस नहीं है, तो आपने प्राइमरी इंफॉर्मेशन में क्या कहा कि ये एसिड दो ही रहे हैं यहाँ पे, बाकी सब बेसिस है, सिंपल सी बात। फिर आपने इनकी रिएक्शन करके देखो क्या रिएक्शन हुई। पहला रिएक्शन देखिए, जैसे आपने HNO2 की H प्लस से रिएक्शन करवाई या रिएक्शन करवाई तो फटाफट इन्होंने H प्लस दिया और NO2 माइनस बनाया। इसी से समझ में आ गया कि भैया H प्लस देने वाला क्या है, एसिड, तो वहाँ एसिड लिख दिया। साइनाइड में जब आपने पानी में डाला तो तुरंत उसने क्या किया, H प्लस उसका गेन कर लिया और बाद में OH माइनस भी प्रोड्यूस कर दिया। तो उनने कहा कि नहीं भैया, एक तो इसने H प्लस ले लिया है तो ब्रोंस्टेड लोरी के हिसाब से भी ये बेस है, दूसरा इसने ओ एच माइनस प्रोड्यूस भी कर दिया है तो आरएनएस ने भी कहा है कि ये बेस है, सिंपल सी बात। तीसरा केस देखिए, इसमें क्या हुआ, एच प्लस डोनेट कर दिया सीएलओ माइनस, तो एच प्लस देना इसका मतलब ये एसिड है, ठीक है ना, सिंपल सी बात। अगला केस देखिए, फ्लोरेन एफ माइनस, इसमें इन्होंने जैसे पानी में डाला एच एफ बनाया और ओ एच माइनस प्रोड्यूस किया तो ये बेस कहलाया। ओ एच तो वैसे ही बेस ही है, ओ एच क्या होगा, फिर भी इन्होंने क्या किया, पानी में डालते ही क्या किया, एच प्लस गेन किया, एच प्लस गेन करते एच टू बनाया और ओ एच माइनस फिर प्रोड्यूस किया। अब आप बोलोगे ओ एच ही तो था सर, नहीं नहीं भैया, इसने एच प्लस यहाँ पर लिया है और एच टू बनाया है, हालांकि पानी में डाल रहे हैं ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं सबके, पर यहाँ एच प्लस लेकर इन्होंने वाटर बनाया ये तो कोई बात नहीं, पर ये प्रोड्यूस किया इस केस में बेस है, एच प्लस लेना भी तो बेस है, CO3 ये बनाया तो ये भी क्या होगा, बेस होगा, क्योंकि H प्लस लेने वाला बेस होता है। इसके बाद में और रिएक्शन कराओगे ना तो H2CO3 और बनेगा, इसका मतलब है कि ये मतलब इसमें अगर अभी आएगा आपके डाइप्रोटिक ट्राइप्रोटिक तब उसको ये पढ़ाएंगे अपन, इसमें 2H+ देता है, अगर इसको H2CO3 को तोड़ेंगे ना तो CO3 टू माइनस बन जाएगा और 2H+ देगा, ठीक है ना, तो ये वाला चीज बेस है, ठीक है ना। अगला ये H2S, ये जो होता है ना H2S, इसको तोड़ोगे तो ये H2- बनता है, ये भी डाइप्रोटिक है, ठीक है, इसमें भी आपने क्या किया, एच प्लस लेना बेस है। इट मीन्स आपको ये समझ में आया कि कौन एसिड है कौन बेस है, ठीक है ना। अब हम बताएंगे कि वोटर क्या होता है, वोटर पे ही सारी बातें क्यों टिकी है, वोटर किस तरीके से रिएक्ट करता है, कभी आप देखना होगा वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, कभी बेस की तरह बिहेव कर रहा है, इट मीन्स इसके बारे में डिटेल में आपको समझना चाहिए। पहली चीज, अगर वाटर में किसी को घोला, अभी अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वाटर के साथ में क्या हो रहा है, कभी ये डोनेट करता है, कब डोनेट करता है, जब आगे वाला जो रिएक्टेंट है उसकी कैपेसिटी होती है इसमें से एच प्लस गेन करने की, तो ये डोनेट कर देता है, पर उसकी कैपेसिटी नहीं होती है तो क्या करेगा, वो कभी कभी ले भी लेता है, कब ले लेता है, जब जो रिएक्टेंट है वो एच प्लस प्रोड्यूस करे तो ये ले लेता है और लेकर क्या बनाएगा, H3O+ है ना, हाइड्रोनियम आयन बना देगा, समझ में आ रहा, तो ये दोनों ही केस में बिहेव करता है, पर जब ले लेगा इस केस में बेस रहेगा, जब डोनेट कर देगा तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो वाटर की यहाँ पर दोनों ही क्वालिटीज है, लेना और देना, समझ। अगला, अब वाटर को अमोनिया से हमने जब बनाया था तो यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, क्या रोल प्ले किया कि उन्होंने कहा कि आपको ये कैसे बनाना बताना है कि ये बेस है, तब आपने H2O से रिएक्ट करवाया, H2O से रिएक्ट करने के बाद में यहाँ पे NH4+ बनाया, तब आपने कहा कि देखो एच प्लस ले लिया है, तब आपने इसको कहा कि ये बेस है ना, तब आपने इसको बोला कि ये कॉन्जुगेटेड एसिड है, ये भी बोला आपने, ठीक है ना, तो वाटर ने ही तो डिसाइड किया है, ठीक है ना। अगला, HCl, HCl एसिड है, ये आप कैसे समझा सकते हैं, तो
तो जैसे ही HCl को जब आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो एक वाटर की क्वालिटी क्या है, ये इसमें से ये डोनेट करना चाहता है, H प्लस डोनेट करेगा और Cl माइनस डोनेट करेगा, और ये H प्लस ये H2O ले लेगा और इसमें कन्वर्ट किस में करेगा, H3O प्लस में। ठीक है, जब H3O मतलब ये हाइड्रोनियम आयन बनाया, तो पहली बात गेन किया, इन्होंने लॉस किया, तो ये बनाएगा एसिड। पर इसके लिए कौन, इसको एसिड सिद्ध किया इसने, प्रूव करने के लिए आपको वाटर की रिक्वायरमेंट रही, ठीक है ना। तो ये एसिड है और ये है कॉन्जुगेटेड बेस, कौन जो बना है आगे, ठीक है ना। अगला ये सीएल माइनस है कॉन्जुगेटेड बेस, ये H3O तो नहीं है, ठीक है ना, ये तो H2O से बना, इन्होंने गेन किया है, तो इसका रिलेशन H2O से इससे निकालेंगे, HCl का रिलेशन सीएल माइनस से निकालेंगे, क्योंकि HCl से सीएल माइनस बना है, समझ में आ रहा। तो एसिड कौन है, HCl, और कॉन्जुगेटेड बेस कौन है, Cl माइनस, क्लोराइड आयन, ये साफ दिख रहा हो तो ये देखिए, ये क्लोराइड आयन है बिल्कुल बेस, ठीक है ना। इसके बारे में और बताएंगे आपको। अब ये कह रहा है कि ब्रोंस्टेड ले रही है, और ये क्या है, अब नेक्स्ट थ्योरी आई, क्या है ये, एक लेविस भी आए, ब्रोंस्टेड लोरी और ये दोनों एच प्लस, और एक पहला कंसेप्ट एच प्लस ओ एच माइनस पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है ना। दूसरा कंसेप्ट केवल H प्लस लेना और H प्लस देने पे का, तो ये कह रहा है इसके अलावा भी तो कोई तरीका होगा कि नहीं है, किसी के पास में H प्लस हो ही ना, OH हो ही ना, तो क्या उसको एसिड बेस कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है इनके हिसाब से। बट लेविस ने कहा कि नहीं, उनके लिए भी थोड़ा कंसेप्ट रखिए, तब उन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात की, क्या होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, देखिए इन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हो किसी के पास और वो डोनेट करे या कोई एक्सेप्ट करे, तब भी उसको एसिड बेस हम समझा सकते हैं, कैसे, उन्होंने बताया ये देखो, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इसके पास में तो एच प्लस है ही नहीं, ना ओ एच माइनस है, तो किस तरीके से कहेंगे। पर आप ये देखिए कि BF3 का अगर मैं निकालूं तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, मतलब एटॉमिक नंबर 5, आउटर मोस्ट सेल में 3, और 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए, पेयर में लगा दिए, फ्लोराइड ने भी दिए, कोवेलेंट बॉन्ड बना, पर बोरोन के पास में अभी कितने हैं, सेंटर एटम के पास में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, पर ये तो है नहीं, अब नहीं है तो क्या करेंगे, तो इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम, इट मींस 8 करने के लिए इसको अभी भी 2 चाहिए। तो होता क्या है कि ये रिक्वायर्ड है इसकी कि मैं कहीं से इलेक्ट्रॉन को गेन करूं, पहली बात तो इसका साइज भी छोटा है, तो और इसकी कैपेबिलिटी, इसकी न्यूक्लियस की कैपेसिटी है कि कहीं से और से, कहीं जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई एटम आ रहा है, उसके पास में आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके न्यूक्लियस में पावर है कि ये आगे खींच ले, तो इसके ये खींचेगा और ये गेन करेगा, गेन करने के बाद में भले एक बॉन्ड बनाएगा पर इसके पास में पावर है ना। तो इन्होंने कहा कि अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे तब इसको क्या बोलेंगे, इसको एसिड बेस के बारे में बता सकते हैं, कैसे बताएंगे, देखिए आप, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले तो उसको एसिड बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करें तो वो बेस कहलाएगा, मतलब BF3 क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया BF3 ने, तो यहाँ BF3 के पास में पावर थी भले ही, लेकिन बोरोन, BF3 क्या कहलाएगा इस केस में, इन्होंने एक्सेप्ट किया है, ये एसिड कहलाएगा, पर इसके साथ में लेविस वर्ड जरूर लगाना पड़ेगा, तो इस BF3 को हम बोलेंगे लेविस एसिड, ठीक है, लेविस एसिड है ये BF3, क्यों, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट किया है, तो कोई तो होगा जो देने वाला होगा, तो इसके लिए उन्होंने एग्जांपल दिया NH3 का, ये देखिए मैंने ये बता दिया BF3 लेविस एसिड है क्योंकि इन्होंने गेन किया। अगला NH3, एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको NH3 का, होता क्या है कि NH3 और इनके बीच में काफी अच्छा बॉन्ड बनता है, नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये NH3 को मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहा हूँ ना, है ये अमोनिया ही है, NH3 के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 इसका एटॉमिक नंबर, आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 1, 2, 3 तो इन्होंने हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया, उस केस में इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी LP के फॉर्म में रहेंगे, यही LP के फॉर्म में ये ब्रोनोन गिरेन करता है, तब आपने कहा कि ये लेविस एसिड है, तो NH3 क्या है फिर, इन्होंने डोनेट किए, देखिए यहाँ पे ये रहा डोनेट,
डोनेट करने के बाद में इसको बोला उन्होंने लेविस बेस, कोई प्रॉब्लम नहीं, NH3 पहले भी बेस था, ब्रांस्टेड लोरी ने भी बेस माना, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी बेस माना, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर इसका कंसेप्ट क्या कहता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर, डोनेशन इट मीन्स लेविस बेस, एक्सेप्टर इसका मतलब लेविस एसिड, सिंपल। तो ये इनके बीच में एक जो बॉन्ड बनेगा इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। इसमें होता क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, कोवेलेंट नहीं बोले, कोवेलेंट में तो दोनों पेयर मतलब एक तुम दो एक मैं दूं, वो वाला कोवेलेंट होता है, ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेशन कर रहा है कि ठीक है चला लेंगे, तुम्हारा भी काम हो जाए मेरा भी काम हो जाए। अगर ये नाइट्रोजन, अगर ये यहाँ पर नाइट्रोजन जिद करे कि नहीं भैया मैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाऊंगा, तो क्या होगा, तो इस केस में क्या होता है कि अगर नाइट्रोजन चाहे कि मेरे को बनाना है, ठीक है ना, जैसे नाइट्रोजन के बारे में बात करूं मैं, तो मैंने कहा कि नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, ठीक है ना। मैं ये पेयर बनाता हूँ, इधर मैंने कहा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है ना। इस केस में अभी देखो, अभी नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, सेंट्रल एटम के पास में 6 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग वाले ही हैं और 2 आपके पास में लोन पेयर वाले हैं, तो इसके पास में तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। अगर ये कहेगा कि नहीं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाना, तो कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब आगे वाला भी 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो होगा, ठीक है ना। इस पे नाइट्रोजन का भी अधिकार रहेगा, मान लिया कोई भी चीज़ है, मैंने मान लिया ऑक्सीजन मान लिया, ठीक है ना, ऑक्सीजन ने 2 शेयर किए, ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, क्योंकि उसके भी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पहले थे, 2 इधर हो गए, तो इसके तो 8 हो गए। पर नाइट्रोजन के कितने हो गए, देखिए 2, 2, 2, 6 तो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, और ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे, टोटल होंगे 10। इस केस में तो क्या हो जाएगा, ये तो ऑक्टेट रूल का वायोलेशन है, तो चाहता ही नहीं है नाइट्रोजन इस तरीके का बॉन्ड बनाना, वो चाहता है कि भैया कि मेरे इलेक्ट्रॉन भी गिनती में रहे, 8 कंप्लीट रहे और दूसरे के भी काम हो जाए। तो इस केस में वो कह रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जो मैंने ऑक्सीजन से लिए वो ऐसा नहीं चाहिए मुझे, मेरे को तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको चाहिए और मैं दे दूँ इस पे। तो वो कह रहा है कि बोरोन के पास में कम है, क्योंकि इसके पास में इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन है BF3, है ना, और इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इस पे इसका भी अधिकार रहेगा और मेरा केवल इन्हीं पे अधिकार रहेगा, तो मेरे भी 8 कंप्लीट हो जाए, इसका भी 8 कंप्लीट, तब ये बॉन्ड बनता है। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन के लिए बनाए, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अगला ये कह रहा है कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उस अकॉर्डिंग आप लेविस बेस को किस तरीके से आप बता पाएंगे। तब वो कह रहा है कि जब OH माइनस लेते हैं, OH माइनस है, H प्लस गेन किया, बनाया H2O, मतलब H2O एक्सेप्टर, तो क्या कहेंगे इसको, बेस कहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। F माइनस, H प्लस गेन किया, H प्लस गेन करने वाला बेस होता है, पर H प्लस है ये तो क्या करेगा, इसके पास में तो है ही नहीं। H प्लस का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, ये भी इन्होंने लॉस कर दिया, लॉस करने के बाद ही तो एक इसमें कन्वर्ट हुआ, H प्लस में कन्वर्ट हुआ, इसके बाद इसके बाद इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये कहाँ से डोनेट करेगा, और ये तो एक्सेप्ट करेगा, तो वो OH माइनस के पास जाएगा, लेगा और H2O बनाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे आप लेविस एसिड। एक BF3 के बारे में मैंने समझाई दिया कि ये बहुत डेफिशिएंट होता है, फिर ये अमोनिया के पास गया, अमोनिया ने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, उसका भी अधिकार है इसका भी अधिकार है, तो उसने कहा कि NH3 से लिया, है ना, 2 इस तरीके से लिया ना, ये वाले 2 ये वाला पेयर। इस केस में ये क्या है, ये भी जो गेन करता है वो सब क्या होता है, लेविस एसिड होता है, ठीक है ना। अब आपको तीनों चीज़ समझा दी गई है, जिसमें से आपको सब समझ आना चाहिए कौन किस तरीके का एसिड है ना। ये लेविस एसिड है, ये भी एसिड है, पर ये एसिड लेविस के हिसाब से नहीं है, H प्लस लेने वाला H प्लस देने वाला, दो चीज़ होती है, ठीक है ना। दोनों तरीके से आप समझ लीजिए, तीन चीज़ पढ़ाई, पहले में ब्रॉन्स RNS ने कहा H प्लस देने वाला एसिड, OH लेने वाला OH देने वाला एक्वस सॉल्यूशन में बेस, ब्रॉन्स्टेड लोरी ने कहा है कि H प्लस देने वाला एसिड, H प्लस लेने वाला बेस, लेविस ने कहा कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, एक्सेप्टर मतलब पावर है उसका, वो एसिड है, और देने वाला बेस है।